हे गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ अपने साथ नवी मुंबई के आइकिया स्टोर में। गाइस, ट्रस्ट मी, दिस आइकिया स्टोर इज़ ह्यूज, लाइक बहुत ही बड़ा है। ओके, द मोमेंट यू एंटर आइकिया, अगर आप मान लीजिए कार से जा रहे हैं, क्योंकि हम कार से गए थे, तो फर्स्ट थिंग दे विल डू इज़ वो लोग आपका टेम्परेचर चेक करते हैं, बिकॉज इट इज़ अ कोविड नॉर्म नाउ। मूविंग अहेड, जब आप आगे चलते हैं तो आपको फिर से रोका जाएगा आपकी व्हीकल को और चेक किया जाएगा फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। वंस दैट इज़ डन, यू मूव अहेड। गाइज, एक चीज़ और बता देता हूँ कि इट इज़ कंपल्सरी टू वेयर मास्क ऑल द टाइम इन द आइकिया शोरूम। अगर आप लोग सैटरडे या संडे को आइकिया शोरूम जा रहे हैं, तो आपको उनकी वेबसाइट पर पहले रजिस्टर करना पड़ेगा और अपना स्लॉट बुक करना पड़ेगा। और अगर आप वीकडेज पे जा रहे हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ ऑन द स्पॉट आपकी रजिस्ट्रेशन करा दी जाएगी। गाड़ी पार्क करने के बाद आप आइकिया की एंट्रेंस की तरफ मूव कीजिए। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको आइकिया का एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव मिलेगा, वो आपसे आपका फ़ोन नंबर लेगा और आपको ऑनलाइन रजिस्टर कर देगा। बेसिकली ही विल बी सेंडिंग यू अ QR कोड ऑन योर फ़ोन ऑन व्हाट्सएप। उस QR कोड को आपको आगे जाके नेक्स्ट स्टेप पे दिखाना होगा। बेसिकली इट इज़ मार्किंग योर अटेंडेंस दैट यू हैव कम टू आइकिया। जब आपका QR कोड स्कैन हो जाएगा और आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, तब आप सिक्योरिटी चेक इन कराने के बाद आप यहाँ पर आओगे। आइकिया के हर प्रोडक्ट पर एक टैग लगा होता है और उस टैग पे इन्फॉर्मेशन होती है कि आप उस प्रोडक्ट को कैसे खरीद सकते हो। जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद आता है, आप उसका प्रोडक्ट ID इस लीफलेट पे लिख सकते हो या फिर उस प्रोडक्ट के टैग की फोटो लेके रख सकते हो। लीफलेट के ऊपर पूरे आइकिया स्टोर का मैप मिलेगा। आइकिया के प्रोडक्ट्स पर आपको या तो येलो टैग मिलेगा या फिर रेड टैग मिलेगा। येलो टैग्स वाले प्रोडक्ट के डिलीवरी और परचेज के लिए आपको आईके एग्जीक्यूटिव से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। रेड टैग वाले प्रोडक्ट्स आप ऑन द स्पॉट या फिर सेल्फ सर्व फर्नीचर एरिया से पिकअप कर सकते हैं। रेड टैग वाले प्रोडक्ट्स को सेल्फ सर्व फर्नीचर एरिया से कैसे पिक करना है, वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। अभी चलते हैं लेवल 1 पर। नाउ वी हैव रीच्ड लेवल 1। तो लेवल 1 पर है सेल्फ सर्व फर्नीचर एरिया और बिलिंग एरिया, बट हमारी शॉपिंग स्टार्ट होगी लेवल 2 से, तो इसलिए अब हम चलते हैं लेवल 2 पर। नाउ दिस इज़ वेयर द रियल फन बिगिंस। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ लेवल 2। नाउ एट एनी गिवन पॉइंट, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप खो गए हो कहीं पे, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इन एरोज को फॉलो करना है एंड यू विल बी मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। अब आपको इस वीडियो में कई जगह ना पूरा का पूरा सेटअप दिखेगा, जैसे लिविंग रूम सेटअप या फिर किचन सेटअप या बाथरूम सेटअप या फिर बेडरूम सेटअप, और आपको इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स भी दिखेंगे। तो कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आइकिया आपको एक ऑप्शन देता है, जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा सेटअप आपको पसंद आ गया, तो आप इस पूरे के पूरे सेटअप को खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, तो जो भी प्रोडक्ट आपको इस पूरे सेटअप में से पसंद आता है, उस प्रोडक्ट आईडी को लिख लीजिए और उसको बाद में परचेज कर लीजिए। सिंपल। Puerto Rico, esta bomba yo la dejo.
a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La 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 la, la casa del merengue. La 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 la, y la casa de la bachata. अब मैं आपको बता देता हूँ कि रेड टैग वाले प्रोडक्ट्स को सेल्फ सर्व फर्नीचर एरिया से आप कैसे पिक कर सकते हैं। अगर आप रेड टैग को ध्यान से देखें तो उसके ऊपर प्रोडक्ट आईडी लिखा होता है, रैक लिखा है और लोकेशन लिखा है। जैसे इसमें रैक इज 36, लोकेशन इज 5 एंड द प्रोडक्ट आईडी इज गिवन अप। अगर किसी प्रोडक्ट के रेड टैग में ये सब नहीं दिया है तो मतलब वो प्रोडक्ट स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। नाउ वील मूव ऑन टू द सेल्फ सर्व फर्नीचर एरिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा है, तो जितने भी प्रोडक्ट्स आपने ऊपर देखे जिन पे रेड टैग लगा हुआ था, वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर एक बहुत ही कॉम्पैक्ट पैकिंग में रखे होते हैं सो दैट दे आर इजी टू कैरी। अब ध्यान से देखो, आप ये रैक नंबर लिखे हैं 3, 5, 7, 9, 13, 2, 4, 6, पर हम जो प्रोडक्ट अपना ढूंढ रहे हैं उसकी जो लोकेशन थी वो थी रैक नंबर 36, लोकेशन नंबर 5। सो नाउ वी हैव रीच्ड, दिस इज रैक नंबर 36 and we have to go to the location number 5. So this is 1, 2, 3, 4 and 5. This is our product that we have to buy. Now see, वो कैसे कितनी अच्छी compact packing में रखा हुआ है, तो इसको आप easily pick up कर सकते हो और यहाँ से आपको सीधा जाना है billing desk पर। अब आप सोच रहे होंगे, भाई compact तो है packing, लेकिन घर जाके इसको assemble कैसे किया जाए? तो guys, it is very simple. IKEA का हर product बहुत इजीली असेंबल किया जा सकता है, बिकॉज उसके पैकेजिंग के अंदर नेसेसरी टूल्स और एक लीफलेट दी होती है कि आप उसको असेंबल कैसे कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी असेंबलिंग आप नहीं कर सकते, तो IKEA रेकमेंड करता है अर्बन क्लैप टू असेंबल दैट प्रोडक्ट। सो वीकडेज पे जनरली ज्यादा क्राउड होता नहीं है, तो ऑलमोस्ट सारे बिलिंग काउंटर्स जो होते हैं वो खाली होते हैं और आपका नंबर बहुत जल्दी आ जाता है। कुछ नहीं करना है आपको, एक एक करके आपने सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे रखते जाने हैं और जो उनका एग्जीक्यूटिव होगा IKEA का, वो सारे प्रोडक्ट्स को स्कैन करता रहेगा और आपका बिल बना देगा, आपको पेमेंट करनी है एंड देन यू आर डन। और बिलिंग काउंटर पे चार्जेबल बेसिस पर पेपर बैग एंड कॉटन बैग भी अवेलेबल है। मान लीजिए अगर आपको कैरी बैग चाहिए
दूसरा, आपका जितना भी सामान है आप सारा का सारा अपनी ट्रॉली में रख कर अपनी कार जहाँ पे पार्क की है वहाँ तक लेकर जा सकते हैं। सारा का सारा सामान जो है अपनी गाड़ी में डाल सकते हैं, देन यू कैन लीव द ट्रॉली देयर। और हाँ, रिमेंबर जब आप आ रहे थे तो आपको एक बार कोड दिया गया था, वही बार कोड को आपको वापस स्कैन कराना होगा जब आप एग्जिट कर रहे होते हैं, सो दैट आईके हैज़ अ प्रॉपर काउंट कि भाई कौन आया है और कौन गया है। ओके गाइज, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आपको आईके का ये पूरा टूर करने में बहुत मज़ा आया मेरे साथ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और हाँ कमेंट करना मत भूलिएगा प्लीज़। ओके, और अगर आप इन फ्यूचर आईके जाते हैं तो वहाँ से कुछ भी खरीदते तो मुझे ज़रूर टैग करिएगा इंस्टाग्राम पे, और बताइए कि आपने आईके से क्या क्या शॉपिंग की। सो ठीक है, फिर अब मैं मिलूँगा आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।